रात से ही हम लोगों ने जितने भी हमारे सोर्सेज वगैरह हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है और फर्स्ट लाइट से हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग हैं अरनास से लेके यहाँ तक हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं एसओजी कंपोनेंट हमारा हमारी जेएनके पुलिस जी। तो मैम कल क्या अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहां से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कॉम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है उन्होंने 2 से 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंट ने अटैक कर दिया तो हम भागे भागे जहां पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में करीब 40 किलो करीब लोग आए, उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 3-8 अपनी टीम के साथ यहां पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे जो जख्मी थे उनका रेस्क्यू किया और यहां से शिफ्ट किया सीएससी 3-8 में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहां से डेड बॉडीज निकाली और जहां से 4 डेड बॉडीज जो है वो 3-8 सीएससी में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 3-8 शिफ्ट किया और 3-8 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसे जैसी उनको इंजोरी थी कुछ को जम्मू कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब जहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है जहां इस स्पॉट पे पहुंची है तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो है खाई में चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मीटर तक बाद में भी फायरिंग करते रहे जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो गई। सर उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि एक जो गोली है गोलियों की आवाज ही सुनी है, एक गोली की आवाज पीछे से आ रही थी और एक ने जो है वो हम ड्राइवर पे अटैक किया क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे तो उन्हीं क्योंकि उसके उनके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। तो लोकल लोगों ने भी मदद की? पूरे जितने भी लोकल लोग थे ये अर्जाइनिंग एरिया बमलिया ठंगरियोट 3-8 के लोग जो ये भागे भागे यहाँ आए और विद इन हावर उन्होंने जो है ये पूरा रेस्क्यू जो किया और उसके बाद जितने भी जो जख्मी लोग थे और डेड बॉडीज थी वो उनको उनके रेस्क्यू। इस तरह का पहली बार ऐसा दिखाई? सर इस एरिया में ये पहली बार है और इस तरह का सिर्फ सानिया है जो ये पहली बार घटना जो हमारे एरिया में घटी है। इससे हमारी लोगों का मनोबल भी जो है वो टूटा है और
इसके साथ साथ जो है इसके इसका यात्रा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और शायद मिलिटेंटों ने इसीलिए अटैक किया कि जो यात्रा को अफेक्ट किया जाए। और एक नया किस्म का ये हुआ है हमारे इलाका में, इससे पहले जब मिलिटेंसी चरम पे थी तब भी किस किस्म का हादसा यहाँ पे नहीं हुआ है।